इंडियन होम्योपैथी मेडिकल एसोसिएशन की केरल इकाई का दावा है कि उन्होंने निपाह वायरस के इलाज के लिए दवा तैयार कर ली है। संगठन के अधिकारी ने कहा कि होम्योपैथ सभी तरह के बुखार के लिए उचित दवा है और उन्हें संक्रमित मरीजों का इलाज करने की अनुमति दी जानी चाहिए। एसोसिएशन ने राज्य स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा से अनुरोध किया है कि उनके पेशेवरों को उन सभी मरीजों की जाँच करने की इजाज़त दी जाए जो निपाह वायरस की जाँच में पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन स्वास्थ्य सचिव राजीव सदानंद ने बताया कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि होम्योपैथ विभाग सीधे मेरे अधीन काम करता है और अब तक किसी ने मुझसे या विभाग से संपर्क नहीं किया है, हमें इसमें कोई समस्या नहीं है। सदानंदन ने कहा कि 18 पॉजिटिव मामलों में से 4 संक्रमित थे, हालांकि उनका सीधे तौर से मरीजों से कभी कोई संपर्क नहीं रहा। सचिव के अनुसार स्वास्थ्य अधिकारियों के समय पूर्ण हस्तक्षेप की वजह से इस संक्रमण को फैलने से रोका गया, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सोशल मीडिया पर झूठी खबरें प्रसारित की गई। इसे लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है। गौरतलब है कि अब तक निपाह से 16 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 2 की हालत में सुधार हो रहा है। संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लगभग 2000 लोगों को निगरानी में रखा जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।